सौरभ, इतनी बड़ी मीटिंग कर ली आप लोगों ने, तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को बुला करके एक संदेश तो दे दिया, लेकिन जो जो पेच दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में कल थे वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, किसी भी राज्य की लड़ाई हो, चाहे वो पूर्ण राज्य की लड़ाई हो या अलग से राज्य लेने की लड़ाई हो, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा, तेलंगाना में देखा, सालों के आंदोलन के बाद तेलंगाना लिया उन्होंने, झारखंड लिया लोगों ने, उत्तराखंड लिया उन्होंने, ये सारी की सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं लोगों की अस्मिता की लड़ाई होती है। और जब लोग एकजुट होके हर पॉलिटिकल पार्टी से एक ही मांग करते हैं तो राजनीतिक दलों को उस राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं। मेरा यहाँ जो पेच की बात है वो उन तकनीकी पेचों की बात नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है, जो जिसके हाथ में है ये ताकत वो केंद्र है, केंद्र में जो फिलहाल सरकार है उससे आपकी बन नहीं रही है, तो क्या ये आंदोलन एक राजनीतिक समीकरण का रंग दे रहा है कि आप लोगों के बीच जाके बोलेंगे कि नंबर ऐसे दीजिए क्योंकि अगली बार जो सरकार आएगी उससे लड़के लेंगे? देखिए, केंद्र के अंदर भाजपा की जो सरकार है वो 2014 में दिल्ली के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो लाई थी। नरेंद्र मोदी जी स्पेशली दिल्ली के लिए एक मैनिफेस्टो लाए थे जिसमें उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब इन लोगों की 4 साल से सरकार है, पहली मांग तो हमारी इनसे ही होगी कि अब आप हमें वो पूर्ण राज्य की सरकार जो है, पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो दीजिए। और अगर भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ये मानता है कि आने वाले 15-20 साल आम आदमी पार्टी ही दिल्ली के अंदर रहेगी और ये सोच के वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं तो ये भी बहुत गंभीर बात है। हम ये कहते हैं कि अब जो भी आदमी यहाँ पर केंद्र में सरकार बनाएगा, चाहे वो कोई भी हो, पहले वो दिल्ली वालों से ये वादा करे कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा, तभी दिल्ली उसको वोट देगी। दिल्ली अब किसी को वोट इस बात पे नहीं देगी कि वो सिर्फ वादा कर रहा है। तो क्या यही वो बार्गेनिंग पॉइंट होगा कि जनता के बीच आप जाके कहें कि 7 सीटें हमें दीजिए, अगली सरकार अगर महागठबंधन या ऐसे कहीं पर आती है जहां हमारे समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली को अधिकार दिलाने की बात करेंगे, यानी वो समीकरण जोड़ा जा रहा है आज से ही? नहीं, मेरा मानना ये है कि दिल्ली के हकों की लड़ाई, जो पार्टी लड़ती हुई दिखे दिल्ली वाले उसको वोट दें। अगर कांग्रेस कहती है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं तो उनसे बात की जा सकती है, अगर बीजेपी कहती है वो करते हैं तो वो करें, अगर आम आदमी पार्टी कहती है और लोगों को लगता है कि हाँ ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी से दिलवाएंगे, किसी भी सरकार से दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे, तो लोगों को देने की स्थिति दरअसल आपकी है नहीं, लड़ने की स्थिति में तो आप हैं, 3 साल से लड़ रहे हैं, देना जिसको है वो केंद्र में होगा। फिर सवाल घूम फिर के उसी स्क्वायर वन पे आता है कि क्या ये बार्गेनिंग टैक्टिस होगी कि हमें वोट दीजिए, ताकत दीजिए, तो जो केंद्र में होगा उससे लड़ेंगे? तेलंगाना के अंदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इनकी कभी ये हैसियत नहीं थी कि केंद्र में सरकार बना सकें, मगर इन्होंने लोगों को एकजुट करके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि हर केंद्र सरकार को इनके आगे घुटने टेकने पड़े। अगर दिल्ली के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे तो केंद्र सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की भी ना हो, ये भी आने वाले 1 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे। अब स्थानीय तौर पर फिर ये सवाल उठेगा कि आपके खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल, जिसका आरोप अब विपक्ष लगाता है आपके खिलाफ या आपके सरकार की नाकामियों का आरोप लगाता है, ये उसको ढकने की भी एक कोशिश है? देखिए, ये जो पूरी की पूरी मांग है 1956 से ये मांग चल रही है, जब दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश को प्रेशर में ला के उनसे रेजिग्नेशन कराया गया था, तब से मांग चल रही है। कांग्रेस की भी मांग रही है, भाजपा की भी मांग रही है, हम तो महज उस मांग को दोहरा रहे हैं। ये बात बड़ी सरप्राइजिंग है कि आज कांग्रेस और भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य नहीं चाहिए, ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। शीला दीक्षित का भी बयान आया कि दरअसल जिस तरह का स्ट्रक्चर है दिल्ली का, हमेशा मिल बा मिल के साथ में काम करना होता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली का स्ट्रक्चर पिछले 25 सालों में तो नहीं बदला, 1991 में जो स्ट्रक्चर था वो आज भी है। तो जब 1991 से 2014 तक शीला दीक्षित हों या भाजपा के मदनलाल खुराना हों या साहिब सिंह वर्मा हों, सुषमा स्वराज हों या वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा हों या शीला दीक्षित हों या अजय माकन हों, ये सब अगर पिछले 25 साल से दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य मांग रहे थे तो पिछले साल 4 साल में तो कुछ भी नहीं बदला। दिल्ली तब भी देश की राजधानी थी, दिल्ली में तब भी दिल्ली पुलिस केंद्र के पास थी, दिल्ली में तब भी एम्बेसी थी, दिल्ली के अंदर वो सारी की सारी जटिलताएँ उन 25 सालों में भी थी और आज 4 सालों से भी है। तो अब उन 25 सालों के बदले इन जो 3 साल के बाद आप जो नई मुहिम छोड़ रहे हैं, कल से सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, कल से
वार्ड लेवल पे हमारी मीटिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, बूथ लेवल तक मीटिंग जाएंगी। 1 जुलाई को दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाएगा और उसके बाद लोग घर घर जाएंगे।